तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अक्सर छोटी मशीनें जब चलाते चलाते कभी जो है बाबिन कैसे इतना धागा छोड़ के काट देती है, इतना सा और छोड़ के काट देती है, तो हम लोग परेशान रहते कैसे ठीक करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले जो है, अगर आपका बाबिन कैसे बाबिन कैसे आप बदल सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है आपको चापे को खोल लेना है। सबसे पहले अक्सर जो है पटरी के पीछे धार आ जाती है, आपको बता रहे कहाँ पे। ये काफी चलते चलते हो जाती है, 4-5 महीना जब भी आप जितना चलाएं। ये होती कैसे, सुइयां टूटती हैं या तो आपका तागा चलता रहता है परमानेंट, तो उससे भी हल्का हल्का आपको जो है धार आ जाती है। ये आप पीछे देखिएगा बाइक साइड पे, इस जगह पे आपको पीछे दिखा रहे हैं, इस जगह पे असल का तो धार आ जाती है। तो उसको धार को मिटाना कैसे, आपको उंगली लगा देगी तो धार आपको हल्की लगेगी। तो सिंपली रेगमाल का टुकड़ा है, उससे आपको हल्का सा घिस लेना है। अगर आपके पास नई हो तो नई पटरी लगा दिए तो आपको घिसने की कोई परेशानी है नहीं, तो नई लग जाएगी कोई बात, परेशानी नहीं होगी। अगर है तो आप ऐसे भी ठीक कर सकते हैं पटरी, पुरानी पटरी भी आपकी काम चल जाएगा समझ लिए। लेकिन अगर आपके पास नई है तो आप नई भी लगा सकते हैं। तो सिंपली आपको दोनों तरफ से पेपर वाला रेगमाल मार देना है, उसको चेक करना है कहीं पे धार तो नहीं है, दोनों तरफ उंगली से चेक करना है। अब तो धार नहीं, सिंपली उसके बाद आपको वापसी बांध देना, जैसे बांध ली थी वैसी बंद ही रहने देना है। उसके बाद आपको स्क्रू आपको ताकत से टाइट करना है, दोनों इतना ताकत से टाइट करना है ताकि पटरी ना हिले बस। इसकी तो चूड़ी खराब है। उसके बाद आपको चापा बांध देना है। सॉरी, आपको हो गया। तो आज की वीडियो में यह था, अगर सिलाई मशीन की छोटी वाली जो मशीन है अगर डिबिया पास धागा घाटे तो उसको कैसे ठीक करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।